हाय फ्रेंड, टेक्निकल वॉल जैदी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा वीडियो किस टॉपिक पे है, तो फ्रेंड बिना टाइम में इसके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समय के साथ आज हमारे शरीर के दिल, शरीर के कम प्यार मोहब्बत के निशानी ज्यादा बन गई है। और ये बात दो प्यार करने वाले आशिक होते हैं या जो लोग प्यार मोहब्बत के मामले में ज्यादा खोए रहते हैं उन्हें अच्छे से मालूम होगा। लेकिन प्यार मोहब्बत के बातों को छोड़ कर जो हमारे शरीर के दिल या हार्ट है, उसके बिना हम कभी जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर के लिए एक दिल की जरूरत होती है, और इस बात में कोई शक नहीं। और आज के समय में चिकित्सा का क्षेत्र इतना आगे बढ़ चुका है कि जो हमारे सबसे ज्यादा जरूरी समझा आने वाला दिल आज एक वैकल्पिक अंग बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिल पाएंगे जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, स्टैन लार्किन। दोस्तों, बिना दिल के एक दिन भी जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है, लेकिन 25 साल के स्टैन लार्किन ने इस बात को पूरी तरह झुठला दिया। दोस्तों, ये व्यक्ति और इनके भाई जिनमें बहुत बड़ी गंभीर बीमारी पाई गई, जिसका नाम फेमिलियल कार्डियोमायोपैथी है। और ये बीमारी इनको उसी टाइम ही लग गई थी जब वो बच्चे थे। और इस बीमारी के मतलब है इन दोनों के दिल कभी भी बिना किसी चेतावनी के धड़कना बंद कर सकता था। और जब 2016 में एक डॉक्टर से मिले तब वो पूरी तरह बीमार थे, और वो बहुत सालों से ऐसे इंसान की तलाश में थे जो अपना दिल दान में दे सके। पर समय बीतता जा रहा था और 2016 में इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने इन दोनों लड़के के दिल बाहर निकलना ही उचित समझा, और दिल के बदले इनके बॉडी पर एक नकली दिल वाली मशीन लगा दिया, जिसका नाम सिन कर दिया है। दोस्तों, और किसी मशीन जैसे पेसमेकर के बजाय सिन कर दिया एक ऐसा मशीन है जो पूरी तरह खराब हो चुके दिल या मर चुके दिल की जगह अपना काम कर सकता है। और ये मशीन वैसे ही खून और ऑक्सीजन सप्लाई करती है जैसा हमारा दिल करता है, लेकिन इस मशीन को 24 घंटे अपने साथ या शरीर पर पहनकर रखना कोई आसान बात नहीं। और जब स्टैन के भाई इस मशीन को पहना और पहनने के एक हफ्ते बाद ही उसे एक दिल दान में मिल गया था, लेकिन स्टैन को ये मशीन पूरे 555 दिन पहनना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, 1 किलोग्राम की ये मशीन जो हर समय अपने शरीर पर पहनना या रखना जिससे कि उनके शरीर सही तरह से काम कर सके। और दोस्तों, स्टैन एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जो पहले वो अपनी बेटी को गोदी में उठाने के काबिल भी नहीं थे, पर इस मशीन को लगाने के बाद वो आराम से इस मशीन के साथ बास्केटबॉल खेलना भी शुरू कर दिया था। लेकिन 2 साल तक इन्होंने इस मशीन को अपने कमर में टांगा, और 9 मई 2016 के दिन स्टैन को एक नया और असली दिल दान में मिल गया। और इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हालात चाहे कुछ भी हो, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। नंबर 2, जॉर्डन मेरक्का। दोस्तों, ये व्यक्ति 17 साल के उम्र में ही दिल से जुड़े ऐसे गंभीर बीमारी के शिकार हो गए थे जो टाइम के साथ साथ ये बीमारी और भी बढ़ते जा रहे थे। और 2011 में इनके तबीयत इतने बिगड़ने लग गए कि इनके हार्ट सही तरह से काम करना ही बंद कर दिया था। और इसके बाद 22 मई 2011 को इनको चिल्ड्रेन हार्ट सेंटर में भर्ती कर दिया, जहां इनके हार्ट यानी दिल को निकल कर एक नकली दिल यानी आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। और फिर जॉर्डन इस नकली दिल को हमेशा साथ रखकर चल ही रहा था, तभी इनको एक कॉल आया, और इस फोन कॉल ने इनकी लाइफ पूरी तरह बदल कर रख दिया। और वो समय था 2011 के 29 अक्टूबर, जो इनको एक दिल दान में मिल गया था। और ये बात सुनने के 12 घंटे बाद इन्होंने फिर से मेडिकल में भर्ती हुए, और डॉक्टर ने इनके नकली दिल वाली मशीन को हटा कर असली दिल ट्रांसप्लांट कर दिया। और अब ये व्यक्ति पूरी तरह आम इंसान की जिंदगी जी रहे है। नंबर 3, एंड्रयू जोन्स। दोस्तों, ये व्यक्ति एक फिटनेस मॉडल है, और इन्होंने भी आर्टिफिशियल हार्ट यानी नकली दिल के साथ जीना सीख ही गए थे। और काफी दिन ऐसे रहने के बाद इनको भी एक हार्ट डोनर मिल गया था, और फिर इन्होंने मेडिकल में जाकर असली दिल जो दान में मिला था वो ट्रांसप्लांट कर लिया। और अब ये व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है और अपनी फिटनेस को पूरी तरह तैयार करने में लगे है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। I've been keeping myself so busy, personal.